एक महल हो सपनों का फिलहाल मैं इतना चाहता हूँ कि तुम खाना खाओ। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे खाना नहीं खाना। जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो क्या मैं दो दिन तक तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम दो दिन तक खाना नहीं खाओगी? आजमा कर देख लो। बताता हूँ, मेरा नाम राजू है। नाम नहीं, काम बताओ। पहले खाना तो खा लो। तुम्हें इस तरह भूखी रखकर रोते हुए मैं नहीं देख सकता। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। खा लो ना। कैसे इंसान हो तुम, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूं। मैंने तो सुना था औरतों को समझना मुश्किल काम होता है, और मैं तो देखा अभी अभी रो रही थी, चिल्ला रही थी, और अभी हंस रही हो। तुम बहुत भोले हो राजू। हाँ वो तो मैं हूं ही, घर में सब लोग मुझे यही कहते हैं। और तुम्हें पता है मेरी भाभी मुझे क्या कहती है? अरे तुम क्या कह रहे थे वो बोलो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहना पड़ेगा, मुझे लगा तुम भूल गई होगी। राजू प्लीज प्लीज। अच्छा एक शर्त पर। क्या? पहले खाना खा लो, बाद में। पहले बताओ फिर खाना। देखो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। पहले खाना फिर बात। अच्छा अच्छा ऐसा करते हैं, मैं खाना खाती हूँ, तुम मुझे पूरी बात बताओ। अच्छा ठीक है। प्लेट दो। भूख लगी है ना? करे तो ऐसे कर रही थी जैसे। वो सब जाने दो, तुम पहले मुझे पूरी बात बताओ। बताता हूँ। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ शिखर, डॉक्टर मेहता से मेरी बातचीत हो चुकी। क्या कहा डॉक्टर मेहता ने? उनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आई थिंक डॉक्टर मेहता इज द राइट चॉइस। बाय द वे समधी जी बेंगलोर से आ गए क्या? नहीं, उनका फोन आया था, रश्मि ने उन्हें उनके बारे में बताया नहीं। अच्छा किया, वरना खाम खाम वो घबरा जाते और काम छोड़कर चले आते। बाबूजी रश्मि ने उसकी बहन पूर्णिमा को उसके बारे में बताया, वो भी आती ही होगी। शिखर हमारी समधन का पूरा पूरा ख्याल रखना, आखिर वो तुम्हारी सास भी तो है। लेकिन बाबूजी वो कहती है कि मैं उनका बेटा हूं और वो रश्मि की सास है। बिचारी बेटे के मुंह में अपना संतुलन खो बैठी है, और एक मैं हूं कि बेटे की वजह से अपना संतुलन खो रहा। बाबूजी अब तक आपने अभय को माफ नहीं किया? उसे तो मैंने माफ कर दिया है, लेकिन जो जख्म उसने दिए हैं ना वो अभी तक नहीं भरे। खैर छोड़ो, समधन को उनके घर मत जाने देना, अकेली वहां रहेगी तो हो सकता है मामला और सीरियस हो जाए। वैसे भी वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, उसका रहने का इंतजाम यहीं कर दो। ठीक है, मैं गेस्ट में उनका प्रबंध करता हूं। नहीं शिखर
वो हमारी मेहमान नहीं है, हमारी समधन है। उन्हें वही सम्मान दो जिनकी वो हकदार है। जी बाबूजी, उन्हें तुम्हारी दादी मां का रूम दे दो। दादी मां का? हाँ, वही कमरा जिसमें एक मां अपनी बेटी की चिंता किया करती थी। दूसरी मां के लिए इससे बेहतरीन कमरा और कौन सा हो सकता है बाबूजी। और हां, पूर्णिमा को भी यहीं रहने के लिए बुला लेना, जब तक कि उसकी मां ठीक नहीं हो जाती। पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था इन्हें। अरे तो अब क्या हुआ है? क्या हुआ अब? डॉक्टर, तुम जानबूझकर मुझे बीमार कह रहे हो ताकि मैं घर में काम न कर सकूं। झाड़ू लाओ। मैं अभी बता सकती हूँ कि मैं कैसा काम कर सकती हूँ। मेरी तरह इस घर की सफाई दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ माँ, तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। माँ, पापा का फोन आया था बैंगलोर से। घर पे फोन किया था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पर फोन किया। क्या कहते थे? तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम कैसी हो, खाना तो ठीक से खाती हो ना? वहां से वो मेरी इतनी फिक्र करते हैं, तो लौट के आने का नाम क्यों नहीं लेते? अरे माँ, वो काम के लिए गए हैं, वो उसे छोड़ के कैसे आ सकते हैं? रश्मि, क्या सचमुच वो मेरे बारे में पूछ रहे थे? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें उठाया नहीं। पर वो खुद कैसे हैं और उनकी पत्नी? ये तुम क्या कह रहे हो माँ? लो, मेरा बेटा आ गया। अब शेखर, डॉक्टर ये दवाई ठीक है? ओके। अब बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छी है, माँ के सामने बेटा आ जाए फिर माँ को अच्छा ही लगेगा ना। माँ, अरे तू मुझे माँ क्यों कह रही है? क्यों? वो माँ ही कहेगी ना। क्यों? ये तो तेरी बीवी है ना। हाँ। और मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है, तो मैं तो इसकी सास हुई ना। देखिए माँ जी, आपका बेटा आया है ना, अब आप थोड़ा आराम कीजिए। बहू, जरा चादर देना। पन्ना ने भी बहुत कष्ट उठाए हैं। बड़ी बहू होने के नाते त्याग और समर्पण की भावना से नानावटी परिवार की बहुत सेवा की है। अगर उसने भी ये कदम उठाया है तो सचमुच बहुत ही अच्छा है। पन्ना ने बच्चे के लिए बहुत कुछ सहा। उसी ने मीनू से कहा कि एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है, और मीनू को समझाकर लेडी डॉक्टर के पास ले गई। और दोनों को चेकअप करने के बाद में लेडी डॉक्टर ने कहा कि दोनों में ही फिर से मां बनने की संभावनाएं हैं। क्या? जी सच? हाँ। अरे सरोज, सरोज तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे कि तुम्हारी बात सच हो जाए। सरोज, मैं अपनी बहू अपनी मीनू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अपनी जिंदगी भर की कमाई मैं लगा दूंगा, बस तुम एक काम करो, मीनू तक एक बात पहुंचा दो। अगर ये बात मीनू से आप खुद कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं सरोज, मैं मीनू का सामना नहीं कर सकता। नहीं सरोज, हाँ दूसरी बार उसके पास जाके मैं मीनू की माफी मांग लूंगा। एक दिन मैं भी यूं ही तस्वीर बन जाऊंगी और मेरा बेटा भी मेरी तस्वीर पर हार चढ़ाएगा। क्या बड़बड़ा रही हूं मां? कुछ नहीं, सोच रही थी कब तक जीऊंगी मैं, इनकी तरह सफेद बाल हो जाएंगे तब तक।
माँ तुम तो बहुत जियोगी, बहुत। हम सबको तुम्हारी जरूरत है, मरने के बारे में कभी सोचना भी मत। मेरा बेटा शेखर भी यही कह रहा था मुझसे, उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। नहीं सोचूंगी मरने की बात, नहीं सोचूंगी। माँ तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो? तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में क्या सोचना, तुम तो लड़की हो, पराए घर चली जाओगी। घर का चिराग तो बेटा ही होता है ना। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बेटा जरूर पैदा करना, बेटा जन्ना, एक बेटा जन्ना। अरे कहाँ चल गई? तुम्हारे पैर दबाने। वैसे लड़कियां तो गला दबाती है, तुम पैर दबा रही हो। अरे तुम तो, तुम्हारा नाम पूर्णिमा है ना? हाँ। अच्छा, कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? सुना है बाहर गांव गए हैं? जी, बेंगलोर गए हैं। अरे रोती क्यों है? आ जाएंगे बेटे, आ जाएंगे। अब तो जल्दी आ जाए तो ही अच्छा है। सुना है तुम्हारी एक बहन किसी मुसलमान के साथ भाग गई? भागी ने शादी की है उसने। तो तुमने उसे समझाया नहीं, धर्म भ्रष्ट कर गई? जीवन सफल कर लिया उसने अपना। जीवन सफल तो तुम्हारी बड़ी सौतेली बहन ने किया है अपना, रश्मि दीदी। हाँ, शेखर जैसे होनहार लड़के से शादी करके बड़ी भाग्यशाली है जो उसे शेखर जैसा पति मिला। सचमुच वही भाग्यशाली है। और उससे भाग्यशाली तो मैं हूं। तुम? हाँ मैं। सच है, बुरी किस्मत मेरी ही है। चिंता मत कर, तुझे भी शेखर जैसा लड़का मिल जाएगा। पता नहीं, सपने देखना छोड़ दिया है मैंने, पता नहीं कब टूट कर बिखर जाए। सपना? सपना तो मेरा पूरा हो गया। पूछो क्या? क्या? मुझे मेरे बेटे की बहुत चिंता थी, न जाने कौन सी लड़की से शादी करेगा, पर मालूम है ये रश्मि ही मेरी बहू है। ताज्जुब हो रहा है कि गिरीश ने ऐसा किया। उस लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वही तो, पता नहीं बेचारे का कौन सहारा बनेगा। नहीं, गिरीश को उससे शादी करनी ही होगी। देखो पल्लवी, हम तो यही चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए, पर गिरीश माने तब ना। उसे मानना ही होगा, उसे कोई हक नहीं पहुंचता किसी लड़की की जिंदगी के साथ यूं खिलवाड़ करने का। और उस लड़की ने कितना भरोसा करके इतना बड़ा कदम उठाया होगा। नहीं, मैं मानता हूं कि पूर्णिमा की भी गलती है, पर अगर गिरीश उसे धोखा देकर निकल जाए तो शायद बेचारी आत्महत्या कर लेगी। नहीं, नो, गिरीश को सबक सिखाना ही होगा। इसलिए मैं तो तुम्हें यहां लेकर आया हूं, ताकि उसे पता चले कि उसकी खुद की बहन के साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगता है। लेकिन मुझे यहां दो चार दिन रख के तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा करने से क्या वो अपनी गलती मान लेगा? तो और क्या करना चाहिए? गिरीश को सबक सिखाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। गर्व था मुझे अपने भाई पर, लेकिन दूसरी लड़की को धोखा देकर वो मेरी नजरों से गिर चुका है। नहीं,
पल्लवी तुम जी छोटा मत करो, देखो गलती सबसे हो जाती है, गिरीश से भी हो गई, पर अपनी गलती कबूल ना करके वो और एक गलती कर रहा है। एक रास्ता है उसे समझाने का। क्या? तो मुझे यहां से जाने दो। अच्छा, बिलीव मी, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? तुम मुझे यहां से ले चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सारा प्लान समझाती हूँ। बिलीव मी, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी, हमारे प्लान के मुताबिक मेरे भाई को सबक मिलेगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन देखो पल्लवी, एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा और फिर शायद ये मामला नानावती परिवार की जिद का मामला बन जाए। ओके, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी। ओके। वो तो मैंने पहले से कहा था कि ग्रुप मीटिंग्स करके हमें बहुत फायदा होगा। अब धीरे धीरे मैं लोगों की नब्ज जानने लग गया। ऑपोजिशन वालों में तो डर सा पैदा हो गया है, ये युवा नेता कौन है जो यूं यकायक लोगों के दिलों दिमाग पर छाने लगा है? पता नहीं ये सब बातें लोगों तक कैसे पहुंचती है। अरे अब तुम घर घर जाकर लोगों को मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो वो तो तुम्हें जानने ही लगेंगे ना। ये बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कैसी बात कर रहे हो? मैं जहां जहां भी गया वहां लोगों ने मुझे पूछा कि आप नानावती के बेटे हैं, और मुझे मन महसूस कर कहना पड़ता हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा समझकर अपने करप किया? मेरी बातें सुनो। अब है, अब लोग ये जान गए हैं कि तुम इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हो, तो ये भी जरूर जान गए होंगे कि तुम उनसे अलग रहते हो, उनसे झगड़ कर घर बार छोड़कर। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन मेरी लगन तो सच्ची है, मेरे काम करने का तरीका सच्चा है, मेरे वादे सच्चे हैं। मैं किस किस को कहता फिर हूं कि मैं मेरे बाप से नफरत करता हूं? ये देखो, ये क्या है? देखो, चिट्ठी आई है दिल्ली से। चिट्ठी तो मुझ पर लिखी गई है, लेकिन तारीफों के पुल तुम्हारे बांधे हैं इसमें। देखो, दिल्ली तक तुम्हारी पॉपुलैरिटी पहुंच गई है। लिखा है, अब है नानावती इज इवॉल्विंग एज वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द न्यू जनरेशन। देखो तुम ही पढ़ो। अब है नानावती, पुरुषोत्तम नानावटी, मैं अपनी अलग पहचान बनवा कर ही रहूंगा। मैं आपसे जरूर मिलूंगा, लेकिन शरद राणा और ढेर सारे सुमूतों के साथ, जो आपको जेल भेजने के लिए काफी होंगे। सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।